या फिर फिल्म इंडस्ट्री, दोनों ही जगह पर सेलिब्रिटी छाए रहते हैं। कभी अपने प्रोफेशनल वर्क को लेकर तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, वही दूसरी ही तरफ सेलिब्रिटी चर्चा का विषय बन जाते हैं अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को लेकर भी। जी हाँ, काफ़ी महंगे महंगे शौक रखते हैं सेलिब्रिटीज, और सेलिब्रिटीज़ के महंगे शौक को देखकर फैंस भी हैरान रह जाते हैं। ग्लैमर की दुनिया में देखा जाए तो सेलिब्रिटीज़ का लग्जरियस लाइफस्टाइल वाकई में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जहाँ एक ओर ग्लैमर की दुनिया में चमक और चकाचौंध देखने को मिलती है, वहीं अगर गौर किया जाए सेलिब्रिटीज़ की निजी ज़िंदगी की तरफ तो कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ झेला है, काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना किया है। इसी लिस्ट में नाम शामिल है हिंदी सिनेमा जगत की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री अमृता सिंह का। अमृता सिंह की जिंदगी से हर कोई वाकिफ है। जिस तरह से अमृता सिंह ने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी, अपनी शानदार एक्टिंग, अपनी खूबसूरती और अपनी अदाकारी के जरिए दर्शकों को दीवाना कर दिया, तो वहीं अमृता सिंह अपने करियर के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रही हैं। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि अमृता सिंह शादी के बंधन में बंधी बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान के साथ। सैफ अमृता को पहली नजर में ही दिल दे बैठे थे और बाद में इस कपल ने शादी करने का फैसला कर लिया। जी हाँ, साल 1991 में अमृता और सैफ शादी के बंधन में बंध गए। सैफ और अमृता की उम्र में काफ़ी फासला है, 12 साल बड़ी हैं अमृता सिंह सैफ से, लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई। कहा जाता है कि परिवार वालों के खिलाफ जाकर सैफ ने अमृता से शादी की थी, लेकिन ये शादी कुछ सालों तक चली और फिर साल 2004 में दोनों की राहें अलग हो गईं। दोनों ही एक दूसरे से तलाक ले लिए और दोनों के तलाक को अब तकरीबन 17 साल हो चुके हैं। तलाक के बाद अमृता सिंह किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारी है और आज भी अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बिता रही हैं, कितने आलीशान घर में रहती हैं अमृता, इस पर चर्चा करेंगे आज हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ NH। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ एंड योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर अमृता सिंह के आलीशान घर के बारे में कि अपने पति सैफ से अलग होने के बाद अमृता ने किस तरह से गुजारा किया, किस तरह से अपने दोनों बच्चों सारा अली खान और इब्राहिम अली खान की परवरिश की और आज किस तरह से जिंदगी बिता रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। वेल, इस बात से सभी वाकिफ हैं कि बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान आज के समय में बेहद खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं अपनी पत्नी बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान और अपने दोनों बेटों के साथ। लेकिन ये बात भी सभी जानते हैं कि करीना सैफ की दूसरी पत्नी है। सैफ अली खान साल 1991 में शादी के बंधन में बंधे थे मशहूर अभिनेत्री अमृता सिंह के साथ। पहली ही नज़र में सैफ अली खान अमृता सिंह को दिल दे बैठे थे, उनकी खूबसूरती को देखकर उनके दीवाने हो गए थे। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात हुई थी राहुल रावली की फिल्म के सेट पर और इस फिल्म में सैफ और काजोल लीड रोल में थे। अमृता को देखते ही सैफ उन पर मदहोश हो गए थे और अमृता इस बात से पूरी तरह अनजान थी। कुछ दिनों बाद सैफ ने अमृता को कॉल करके डिनर के लिए पूछा, लेकिन अमृता ने ये कहते हुए मना कर दिया और कह दिया मैं डिनर के लिए नहीं जाती हूँ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि तुम मेरे घर पर डिनर के लिए आ सकते हो और उसी डिनर डेट के दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। इस तरह से सैफ और अमृता एक दूसरे के प्यार में डूब गए और एक दिन वो आया जब दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि अमृता और सैफ की शादी के खिलाफ थे उनके परिवार के सदस्य, लेकिन परिवार के सदस्यों के खिलाफ जाकर सैफ ने अमृता सिंह का दामन थाम लिया और उनके साथ गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। सैफ अली खान और अमृता सिंह की उम्र में काफ़ी फासला है,
12 साल बड़ी हैं अमृता सिंह सैफ अली खान से, लेकिन दोनों की लव स्टोरी बॉलीवुड के गलियारों में काफी मशहूर रही है। किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है सैफ और अमृता की स्टोरी। लेकिन जहां एक ओर सैफ और अमृता शादी के बंधन में बन गए साल 1991 में, और कुछ सालों बाद ही दोनों की राहें अलग हो गईं। कहा जाता है कि शादी के बाद दोनों के रिश्ते में अनबन आना शुरू हो गई थी। अमृता ने सैफ के लिए अपने करियर को छोड़ दिया। जी हाँ, अमृता ने शादी के बाद अपने करियर को छोड़ दिया। जहाँ एक ओर अमृता टॉप एक्ट्रेस में शुमार थी, करियर के पीक पॉइंट पर थी, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने अपने करियर को छोड़ दिया और सैफ अली खान फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब विदेशी ट्रिप के दौरान सैफ की जिंदगी में एंट्री हो गई इटालियन मॉडल रोजा की। रोजा और सैफ आए दिन मीडिया के कैमरों में कैद हो जाया करते थे। सैफ रोजा के साथ मुंबई में रहने लगे और वहीं से अमृता और सैफ के रिश्ते में दूरियां आ गईं। साल 2004 में दोनों की राहें अलग हो गईं। वहीं तलाक के बाद अमृता ने सैफ से एलिमनी के तौर पर करोड़ों रुपए भी मांगे थे। कहा जाता है कि अलग होते ही अमृता ने 5 करोड़ रुपए सैफ से मांगे थे। इस बात का खुलासा खुद सैफ ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। सैफ ने बताया कि अलग होते समय एलिमनी के रूप में अमृता ने उनसे 5 करोड़ रुपए मांगे थे। उस वक्त सैफ के पास उतने पैसे नहीं थे, ऐसे में उन्होंने अमृता को 2.5 करोड़ रुपए ही दिए थे। सैफ ने बताया कि वो शाहरुख खान नहीं है और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मरते दम तक अपने बच्चों को पैसे देंगे और पूरी रकम अदा करेंगे। सैफ उस दौरान अमृता को हर महीने तब तक 1 लाख रुपए देने की बात कही थी, तब तक उनका बेटा 18 साल का नहीं हो जाता। सैफ ने ये भी बताया कि उन्होंने फिल्मों और एड फिल्मों से जो भी कमाया वह अपने बच्चों को दे दिया, और इसके अलावा बंगला भी अमृता और बच्चों को दे दिया गया था। और इस तरह से सैफ ने अमृता को बच्चों की परवरिश के लिए करोड़ों रुपए दिए थे। तो वहीं अमृता सिंह ने भी अपने बच्चों की परवरिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अमृता सिंह ने एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, कमबैक किया बॉलीवुड की दुनिया में। तो वहीं टीवी टाउन की दुनिया में अमृता सिंह ने डेब्यू किया, और इस तरह से दोनों ही जगह पर अमृता सिंह ने अपनी शानदार एक्टिंग का जलवा बिखेर कर रख दिया और अपने बच्चों की परवरिश करने में जुट गई। आज के समय में भी अमृता सिंह फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। 63 साल की हो चुकी हैं अमृता, और आज के समय में किस तरह से अपने दोनों बच्चों के साथ अपने पति सैफ के बिना जिंदगी बिता रही हैं। इतने आलीशान घर में रहती हैं अमृता सिंह। हमारी इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे अमृता सिंह का शानदार आलीशान घर। जी हाँ, घर के एक एक कोने को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। अमृता सिंह, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान का ये आलीशान घर हर तरफ रंगों से सजा हुआ है। सारा ने अपने घर को शानदार और कलरफुल सोफा, काउच और कुर्सियों से सजाया हुआ है। इस घर के कोने कोने को बेहद खूबसूरती से सजा रखा है अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान ने। आप देख रहे होंगे कितना आलीशान है अमृता सिंह का ये घर। इतना ही नहीं, सारा अली खान अपने घर के एक एक कोने को खूबसूरती से सजाए रखती हैं, और घर के एक एक कोने में अपनी मां अमृता के साथ पोज देती हुई नजर आती हैं। अमृता सिंह के घर का खूबसूरत मंदिर भी हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पर अमृता सिंह अपने दोनों बच्चों के साथ पूजा पाठ करती हैं। वहीं अमृता सिंह की बेटी सारा का कमरा भी बेहद खूबसूरती से सजा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि घर में जिम कॉर्नर भी है। यहाँ पर अमृता और इब्राहिम एक्सरसाइज करते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो बैल्कनी एरिया भी बेहद खूबसूरत है। इसके अलावा देखा जाए तो घर का एक एक कोना वाकई में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वेल दोस्तों, बताना चाहेंगे आप सभी को, ये आलीशान घर अमृता सिंह का मुंबई के जुहू में स्थित है।
जी हाँ, मुंबई के जुहू में इस आलीशान घर में रहती हैं अमृता सिंह अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ। वहीं जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अमृता सिंह का ये आलीशान और खूबसूरत घर मुंबई के जुहू में स्थित है। इस घर में बड़े बड़े कमरे हैं, बड़ा सा हॉल है, किचन है, लिविंग एरिया है और बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस घर में हर सुख सुविधा मौजूद है और इस आलीशान घर में इस तरह से अपने दोनों बच्चों के साथ जिंदगी बिता रही हैं दिग्गज अभिनेत्री अमृता सिंह। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि अमृता सिंह किस तरह की जिंदगी बिता रही हैं। काफी बेहतरीन पेच अमृता अपने दोनों बच्चों के साथ काफी आलीशान और बेहतरीन जिंदगी बिता रही हैं और इस तरह से अमृता सिंह अपनी लाइफ में आगे बढ़ती चली जा रही है। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।